हर कोई अपने लिए जीता है। एक बार 50 लोगों का ग्रुप किसी मीटिंग में हिस्सा ले रहा था। मीटिंग शुरू हुई, अभी कुछ ही मिनट बीते थे कि स्पीकर अचानक ही रुका और सभी पार्टिसिपेंट को गुब्बारे देते हुए बोला, आप सभी को गुब्बारे पर इस मार्कर से अपना नाम लिखना है। सभी ने ऐसा ही किया। अब गुब्बारों को एक दूसरे कमरे में रख दिया। स्पीकर ने अब सभी को एक साथ कमरे में जाकर 5 मिनट के अंदर अपना नाम वाला गुब्बारा ढूंढने के लिए कहा। सारे पार्टिसिपेंट तेजी से रूम में घुसे और पागलों की तरह अपना नाम वाला गुब्बारा ढूंढने लगे, पर इस अफरातफरी में किसी को भी अपने नाम वाला गुब्बारा नहीं मिल पा रहा था। 5 मिनट बाद सभी को बाहर बुला लिया गया। स्पीकर बोला, अरे क्या हुआ, आप सभी के हाथ खाली क्यों है? क्या किसी को अपने नाम वाला गुब्बारा नहीं मिला? नहीं, हमने बहुत ढूंढा पर हमेशा किसी और के नाम का ही गुब्बारा हाथ आया। एक पार्टिसिपेंट कुछ मायूस होते हुए बोला, कोई बात नहीं, आप लोग एक बार फिर कमरे में जाइए, पर इस बार जो भी गुब्बारा मिले उसे अपने हाथ में ले और उस व्यक्ति को दे जिसका नाम उस पर लिखा है। स्पीकर ने निर्देश दिया। एक बार फिर सभी पार्टिसिपेंट कमरे में गए, पर इस बार सब शांत थे और कमरे में किसी तरह की अफरा तफरी नहीं मची थी। सभी ने एक दूसरे को उनके नाम के गुब्बारे दिए और 3 मिनट में ही बाहर निकल आए। स्पीकर ने गंभीर होते हुए कहा, बिल्कुल यही चीज हमारे जीवन में हो रही है। हर कोई अपने लिए ही जी रहा है। उसे इससे कोई मतलब नहीं कि वह किस तरह औरों को मदद कर सकता है। वह तो बस पागलों की तरह अपनी ही खुशियाँ ढूंढ रहा है, पर बहुत ढूंढने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। हमारी खुशी दूसरों की खुशी में छिपी हुई है। जब हम औरों को उनकी खुशियाँ देना सीख जाएंगे तो अपने आप ही हमें हमारी खुशियाँ मिल जाएंगी, और यही मानव जीवन का उद्देश्य भी है। दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।